नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। हे अभिनंदन, तेरा अभिनंदन। जी हाँ, सब आज पूरा देश अपने अभिनंदन का स्वागत कर रहा है, विंग कमांडर अभिनंदन का। बस कुछ ही घंटों में उनकी स्वदेश वतन वापसी होने वाली है। लेकिन जब आर्मी में जब भी ऐसी कन्फ्लिक्ट होता है दो देशों के बीच में, जब भी हमारा कोई सैनिक, कोई पायलट, कोई विंग कमांडर, कोई भी ऑफिसर संबंधित देश के हाथों यानी कि दुश्मन देशों के हाथ पकड़ा जाता है, उसके बाद जब उसकी वापसी होती है तो फिर वो वापसी एक निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत होती है, जिसमें एक प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। ऐसे वापसी नहीं होती है कि जैसे कोई भूला अपने घर को आता है और सीधे वो घर में आ जाता है, उसे गले लगा लिया जाता है। गले तो अभिनंदन को भी लगाया जा रहा है, लेकिन एक जो प्रक्रिया होगी उसका पालन किया जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होता है, क्योंकि इसके पहले आप 1999 के में जो नचिकेता पाकिस्तान के यहाँ चले गए थे, उसके बाद उनकी वापसी हुई थी, तब भी क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी, और अब अभिनंदन के मामले में क्या प्रक्रिया अपनी आई जाएगी, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये एक तरह से सेट और पैटर्न है, प्रोसेस है। उस प्रोसेस के तहत क्या होता है कि जो वहाँ पे दूतावास होता है, सामान्य तौर पे उस दूतावास को हैंडओवर दिया जाता है। तो जो अभिनंदन है, भारतीय दूतावास को उनका है, उनको हैंडओवर दिया जाएगा। वहाँ से फिर जो है वो ऑफिसर के साथ जो है आएंगे, बाघा बॉर्डर पर उनका स्वागत होगा। ले उसके बाद जैसे ही उनकी स्वदेश वापसी होगी, तो एक जो इंटरनेशनल सोसाइटी है रेड क्रॉस, उसका उसमें रोल शुरू हो जाता है, और वो सबसे पहले उनका जो है स्वास्थ्य चेकअप कराती है। ये देखने के लिए किया जाता है कि कहीं जिस देश से वो आ रहे हैं वहाँ पर उनका शारीरिक या मानसिक शोषण तो नहीं किया गया है, तो पूरा उनका हेल्थ चेकअप होगा। इसके बाद जब वो आर्मी को सौंपे जाएंगे, यानी कि जिस एयरफोर्स से वो ताल्लुक़ रखते हैं उनको उन्हें सौंप दिया जाएगा, फिर वहाँ पे ऑलरेडी एक्सपर्ट्स का पैनल बन चुका है, जो वो पैनल चेक करेगा कि हमारे विंग कमांडर के साथ कोई ऐसा व्यवहार तो नहीं हुआ है, कहीं कोई चोट तो नहीं लगी है, या जो चोट लगी है वो नॉर्मल तो है, फिर उनका पूरा परीक्षण किया जाता है। और इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है, इंटेलिजेंस डीब्रीफिंग में क्या होता है कि जो इंटेलिजेंस यूनिट होती है वो अपने तरीके से पूरा पूछताछ करती है, क्योंकि मान लीजिए कि आप 24 घंटे या 48 घंटे, 72 घंटे, एक हफ्ता, दो हफ्ता दुश्मन के कब्जे में रहे हैं, तो दुश्मन ने कोई ऐसा आपके बॉडी में के किसी पार्ट में कोई ऐसा चिप लगाया हो, या कुछ ऐसी आपसे जानकारी ले ली हो, तो उस सारे एक एक चीज़ के बारे में वो डीब्रीफिंग में पूछताछ की जाती है कि आपसे वहाँ पे किस किस तरह से सवाल किए गए, कौन कौन आपसे किसने किसने पूछताछ की, कुछ के वो नाम जानते होंगे, कुछ के नाम नहीं जानते होंगे, यानी कि एकदम आप कह सकते हैं कि माइक्रो लेवल पे जा करके उनसे पूछताछ होगी, और फिर उसकी रिपोर्ट जो है सरकार को पेश की जाती है। वो सरकार को रिपोर्ट इसलिए दी जाती है कि उसमें कोई भी अबनॉर्मलिटीज मिलती है तो सरकार के ये बताया जाता है कि जो संबंधित देश है उसने इनके साथ ही अच्छा सलूक नहीं किया है, या ये दुर्व्यवहार किया है, ये अमानवीय व्यवहार किया है, तो फिर सरकार देखती है कि यदि बहुत ज़्यादा ऐसा है जिसमें कि कुछ किन्हीं संधियों का उल्लंघन हुआ है या मानवीय अधिकार का हनन हुआ है, तो फिर उसे वो अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पे उस मुद्दे को उठाती है, और उस संबंधित मुल्क को फिर उसके खिलाफ जो एक्शन लेना होता है, वो जो प्रैक्टिसेज हैं उसके तहत वो एक्शन लेती है। तो अभी जब ये भारत का लौट करके आएंगे, तो फिर जो है उनसे इसी प्रोसेस से, उनको अपने अभिनंदन को इसी प्रोसेस से गुजरना होगा। तो और जो भी इसमें अपडेट मिलेगा, हम अपने अभिनंदन के बारे में, अपने विंग कमांडर अभिनंदन के बारे में बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट जरूर दें। थैंक यू।